ये 1 जुलाई का ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर है जो जीके टुडे का है। आज का जो पहला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र कुटीर लघु और मध्यम उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 27 जून। संयुक्त राष्ट्र ने अपने प्रस्ताव 71/729 द्वारा 27 जून को यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2017 में मनाया गया। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, अपने नए सौर चरखा मिशन के तहत MSME क्लस्टर के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित प्रारंभिक सब्सिडी क्या है? तो इसका सही उत्तर है 550 करोड़। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 50 मान्यता प्राप्त क्लस्टर के कारीगरों को कवर करने के लिए सौर चरखा मिशन की शुरुआत की है। मिशन 50 क्लस्टर के लिए प्रारंभिक 2 वर्षों में 550 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगा और प्रत्येक क्लस्टर 400 से 2000 कारीगरों को रोजगार देगा। इस पहल के लिए 500 करोड़ महिलाओं को जोड़ने का उद्देश्य है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस प्रदेश की सरकार ने हाल ही में कन्या वन समृद्धि योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर महाराष्ट्र है। जिस किसान परिवार में जहां बालिकाएं पैदा होगी उन्हें वृक्षारोपण के लिए पौधे दिए जाएंगे। पौधे विभिन्न प्रकार की किस्मों में होगी जिसमें चिकबूट, आम, जैकफ्रूट, काली बैर और इमली शामिल है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, भारत के किस प्रदेश में सर्वाधिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र में। फिलहाल महाराष्ट्र में 5 विश्व धरोहर स्थल है जो भारत के अन्य किसी राज्य से अधिक है। ये 5 स्थल एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और मुंबई की विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट्स बिल्डिंग है। आखिरी इमारत 30 जून 2018 को विश्व धरोहर स्थल में जोड़ा गया। नौ क्वेश्चन नंबर फाइव, वर्तमान में जून 2018, निम्नलिखित राज्य सरकार में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिकरण क्षेत्रीय एकीकृत मल्टी हैजर प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली RIMS रिम्स के साथ काम कर रहे हैं? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा और तमिलनाडु। रिम्स में एशिया प्रशांत और अफ्रीका क्षेत्र के बीच 48 सदस्य राष्ट्र हैं। यह निकाय अफ्रीका और एशियाई देशों के प्रसारों के कारण 2004 में हिंद महासागर सुनामी के बाद विकसित हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नलिखित में से कौन से जिले ने नीति आयोग द्वारा जून 2018 में जारी पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य विकास मानकों पर आकांक्षी जिलों के बढ़ते सुधार को कैप्चर करता है? तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी सिक्किम। इसका डिटेल 29 जून के ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर में क्वेश्चन नंबर 1 में मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, IFLEX49 अचीवर्स पुरस्कार निम्नलिखित सरकारी योजना से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। यह पुरस्कार डॉक्टरों को देश में हर महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व के PMSMA उद्देश्य की प्राप्ति करने में सहायता भागीदारी के लिए डॉक्टरों की टीम को दिया गया था। नौ क्वेश्चन नंबर 8, भारत में लापता बच्चों को ढूंढने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है रीयूनिट। रीयूनिट एक मल्टी यूजर ऐप है जहाँ कोई भी माता पिता या आम आदमी बच्चों की तस्वीर अपलोड कर सकता है। नौ क्वेश्चन नंबर 9, सांख्यिकी दिवस 2018 की थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर है क्वालिटी इंश्योरेंस इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स।